कल हम लोग जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया देख रहे थे, ठीक है। उसमें दो पॉइंट हुआ था, आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चैतन्य नजर आ रहा है? हेलो। हाँ सर, तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? यहाँ तक देख चुके थे, और जिसमें कहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ, किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, NH3, ठीक है, अमोनिया का हम लोग देख रहे थे। क्या बताए थे? कि ये कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है, ठीक है, विथ पंजेंट डेसिमल। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तकरीबन 200 केल्विन, ठीक है, और एंड 240 केल्विन रेस्पेक्टिवली होता है। और सॉलिड में जनरली इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। सॉरी, एक तो सॉलिड स्टेट में होता ही है, एंड लिक्विड स्टेट में इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है, जिस तरीके से H2O में पाया जाता है। और इसका उसके कारण जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यदि और हम दूसरे प्रॉपर्टीज की भी बात करें यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर थ्री, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, बेसिक होता है, ठीक है, एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो ध्यान में रखेंगे क्या बोले, इट्स सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है इसका? बेसिक इन बेसिक होते हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूबल होता है वाटर में टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। जैसे कि ये NH3, ठीक है, क्या है? वाटर है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? NH4OH बन जाएगा। क्या है ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेसिकली ये क्या होता है? टूट जाता है किस इसको यदि हम देखेंगे, आयोनिक है, ठीक है, टूटेगा एक्वस में क्या? NH4, ठीक है, प्लस, और साथ ही साथ OH-, और OH- बेसिकली क्या है? बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए जो है इसका सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है? बेसिक इन नेचर पाया जाता है। बात समझ में आया? उसी तरीके से यदि हम बात करें, तो जाहिर सी बात है, बेसिक सॉल्यूशन यदि है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? ये लिटमस पे, ठीक है, लिटमस पे कैसा पाया जाएगा? लिटमस पेपर पे कैसा हो जाएगा? आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड से किसमें पहुंच जाएगा? ब्लू, ठीक, रेड से किसमें पहुंचेगा? ब्लू। लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा? रेड से पहुंचेगा ब्लू। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट कहता है कि इट इज अ वीक बेस। ये वीक बेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहा जाता है। क्या है ये? वीक बेस है, एंड कंबाइंस विथ एसिड टू फॉर्म एमोनियम सॉल्ट। और इसलिए ये एसिड के साथ कंबाइन करता है और एमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और एन क्या रहेगा? NH3 का 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे NH3 एज अ बेस, वीक बेस पहले ही बोले हैं। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? NH4, HCl का फॉर्मेशन करता है। NH4 ये प्लस, और साथ ही साथ क्या हो जाता है? ये बनता है आपका Cl-, ये बनता है, ठीक है। यदि हम बात करें NH3, HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद क्या बन जाएगा? NH4NO3, ये नाइट्रेट आयन जो है, NO3- आयन बनेगा, ठीक है, NO3- आयन, और NH4, ठीक है, NH4+ जो है वो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे NH3H3PO4, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट ये बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग रिएक्शन विथ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ यदि हम लोग इसका रिएक्शन देखें, तो सॉल्ट के साथ रिएक्शन में क्या होता है? ये इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बेटा ध्यान में रखेंगे, किसका फॉर्मेशन करता है? इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का। तो जैसे कि PbCl2 का रिएक्शन करवाएंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनेगा? PbOH, विच इज वाइट PPT। कैसा होता है ये? वाइट PPT होता है। यदि HCl के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे तो कैसा बनेगा? रेडिस ब्राउन PPT का फॉर्मेशन करता है। FeOH का होल प्राइस दैट इज कैसा होता है? रेडिस ब्राउन कलर होता है। यदि हम बात करें सॉल्ट्स विच फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इन एक्सेस ऑफ NH4, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, क्या बोले हम? सॉल्ट्स विच फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ NH4OH, यानी कि ये क्या है? इनसोल्यूबल बेटा है अभी तक, ठीक है, लेकिन वैसे भी सॉल्ट्स हैं जो कि क्या रहेंगे? यदि हम लोग एक्सेस NaOH लेते हैं, यदि एक्सेस NaOH लेते हैं तो
वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लेते हैं, ZnCl2। ठीक है, क्या ले लेंगे, ZnCl2। तो ZnCl2 लेते हैं, ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस लेते हैं, तो 2NH4OH, ठीक है, या फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड ले लिए। तो यहाँ पे जो PPT बनेगा वो क्या रहेगा, ये वाइट PPT का तुम्हारा फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा बनता है। लेकिन यदि हम इसके जगह पे यदि हम ZnOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है, और NH4Cl लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, और साथ ही साथ लेते हैं NH4OH यानी एमोनियम क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स, ये रहा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आया, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो कह रहे थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो यही सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक छठा बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो ये तो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी वाला भी देखेंगे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो कॉपर सल्फेट के साथ यदि हम लोग एमोनिया का कर रहे हैं, तो ये CuNH3 का होल 4SO4 का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्विट्जर रिएजेंट होता है, और ये कैसा कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। AgCl के साथ यदि हम लोग एमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, AgNH2Cl, ये आपका बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये है। उसके बाद यदि हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम सॉल्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम सॉल्ट, तो देखेंगे जरा सा किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट भी है। NH4NO2 तो कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ NH4 एमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्रेट है, ठीक है, उसके बाद डाइक्रोमेट है। तो यहाँ पे क्या है, ये NH4NO2 हीट करने क्या बन रहा है, N2, और साथ साथ क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अब देखेंगे, कुछ नहीं, ये पहले पढ़ चुके हैं, NO2 से क्या बना रहे हैं हम, N2, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, N2O। यहाँ पे क्या है, डाइक्रोमेट है, ठीक है, एनायनिक पार्ट यही है, तो यहाँ से क्या बना दो, इसका N2 तो बनाना ही है अपने को, नाइट्रोजन N2 तो अपना बनेगा, तो इसका भी क्या बना दो, N2 बनाओ यहाँ से, ठीक है, और ये वाला पूरा जो एनायनिक पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका CrO3, और 4H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखें। अब NH4Cl, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, और यहाँ पे यदि हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया बनता है, और साथ ही साथ HCl गैस जो है वो, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो फिर से अमोनिया, ठीक है, वाटर और SO3 जो रहेगा, जिसका एसिड ये H और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, HCl, क्या बच गया यहाँ पे, अमोनिया, फिर यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, SO3, ठीक है, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, CO2, ठीक, ऐसा बनता है। आगे हम लोग 8th पॉइंट देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ एमोनिया, क्या देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ एमोनिया। तो कहता है कि व्हेन NH3 गैस इज पास्ड थ्रू अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, ये भी ध्यान में रखना है, ये पी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट। तो क्या बोल रहा है, व्हेन NH3 गैस, जब हम NH3 गैस को पास करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4, क्या होता है, K2HgI4, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये ब्राउन PPT का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सॉरी, ये ब्राउन PPT को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस, ठीक है, ब्राउन PPT किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में फॉर्मेशन हो जाता है। तो पता चलता है कि अच्छा ये अमोनिया गैस ही है, ठीक है। उसके बाद कैसे होता है रिएक्शन, ये देखें, ये आपका है 2K2HgI4, मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको हम बना रहे हैं, 3KOH, ठीक है, NH3, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाए हुए हैं ये, ठीक है, 7KI, ठीक है, प्लस H2O, इसके साथ रिएक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, और ये आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस इसको कहा जाता है, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, ये सब जो बात बता रहे हैं ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
उसके बाद यदि हम यूजेज की बात करें, यूजेज की बात करें इसका क्या है भाई, तो बोलता है एज अ रेफ्रिजरेशन फ्लूड, ठीक है, एज अ रेफ्रिजरेशन फ्लूड के तौर पे काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर के तौर पे काम आता है, ठीक है, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ HNO3 काम में आता है, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में काम आता है, ठीक है भाई, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। उसके बाद इसको यूज करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे। तो ये इसका क्या है, कुछ यूजेस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपका क्या फॉर्म कर रहा है, तो नाइट्रोजन फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन कई सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, पहले ही बताएं शुरुआत में क्या है, तो N2O है, ठीक है, NO है, उसके बाद N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है एंड NO2, इस तरीके का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यदि हम पाला ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, पाला ऑक्साइड का बात करें कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये भी NCERT में, सब NCERT में आपको जो है मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट देता है और हम लोग उसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, एलोबरेट करते हैं और अच्छे से उसका जो पॉइंट है वो कवर करके आपको बताने का करते हैं, ठीक है। ये भी NCERT में दिया हुआ है, ये आपको मिलेगा एक पूरा का पूरा टेबल बना करके, ठीक है, टेबल बना करके जिसमें कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उसके स्ट्रक्चर और कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो और यूज वगैरह थोड़ा बहुत। तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लियर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड जो है ये आपको हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस वन उसका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, और लाथिंग गैस भी कहा जाता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, NH4NO3 में जब हम लोग हीट करेंगे डेल्टा, तो क्या बनेगा, N2O और प्लस 2H2O का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन है। और ये कैसा गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो NO, आगे क्या है, NO, ठीक, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको कहेंगे नाम, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं आराम से, लेकिन बस वो किस कितना वैलेंसी शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है वो अपने को वहां पे दिखाना पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो अपने को वहां पे दिखाना पड़ेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे यदि हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कर दे रहे हैं, इसका मतलब कितना है, दो वाला है, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो ये तो केवल नाम लिखा हुआ है, तो इसमें नाइट्रोजन का कितना है वैलेंसी वो वाला अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोऑक्साइड का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन में फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो ये वाला जाहिर सी बात है क्या कर रहा होगा, +2, यानी दो वैलेंसी को कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। अब रिएक्शन जो है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड क्या हो जाएगा, FeSO4 के साथ, ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ क्या बने, और साथ ही साथ H2SO4 बनेगा, क्या FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस NHSO4, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, NO, ठीक है, और साथ ही साथ H2O, तो ये अपना फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब इसी में एक ब्राउन रिंग टेस्ट भी आता है, उसको भी हम लोग साथ में देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़े हैं ब्राउन रिंग टेस्ट का, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, कॉम्प्लेक्स कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन सल्फेट जो होता है उसमें रिएक्शन किसका होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, और ये फिर क्या बनाता है, FeSO4.NO, ठीक है, FeSO4.NO, और ये वाला जो है यहाँ पे, उसके बाद FeH2O का होल 6, ये, ठीक है, SO4, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, बेसिकली NO के साथ, ठीक, तब ये क्या बनाएगा, FeH2O का 5 होल 5 NO और ये SO4 और साथ ही साथ वाटर, और यही जो है, ठीक है, NO इज ऑल्सो कलरलेस गैस, ये भी ध्यान में रखना, NO कलरलेस गैस होता है और ये क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन ये क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जैसे कि ये हम बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये ब्राउन कलर का एक रिंग का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आता है, ठीक है, कैसा नजर आता है, पूरा ब्राउन कलर के रिंग का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आता है, ठीक। आगे की ओर यदि हम देखें, ठीक है, तो अगला कौन है अपने पास ऑक्साइड,
तो अगला ऑक्साइड है अपने पास नाइट्रोजन का N2O3। क्या है? N2O3। N2O3 में क्या है अपने पास? डाई, क्या बोलेंगे इसको? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? NO का रिएक्शन होगा N2O4 के साथ। ठीक है, तो फिर ये जो है, ठीक है, ये जो है क्या बना देगा? 2N2O3 ये बनाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? NO, ठीक है, दोनों इक्विमोलर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्विमोलर लेंगे और बेसिकली ये आपका बनता हुआ, मतलब ये जो बना है ना उसी को हम दिखा रहे हैं कि और किस तरीके से ये हमको बना सकते हैं। बेसिकली ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? 2N2O3 बेसिकली क्या? NO प्लस NO2, ये क्या बन जाएगा? N2O3 ब्लू कलर सॉलिड जो है ये बनता है। और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो हम देखेंगे फोर्थ वाला पॉइंट, वो क्या बताता है? वो कौन सा ऑक्साइड है? N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। ठीक है, अब NO2 जो है उसी का बेसिकली क्या बनता है? N2O4 से क्या बन जाता है अपना? N2O4। ये देखेंगे बस दो नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, सेम चीज है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? एक तरह से डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये क्या है आपका? कलरलेस सॉलिड और क्या होता है? एसिडिक। ये नेचर याद रखना जरूरी है, जैसे ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। बता देते हैं, फिफ्थ में NO2 तो क्या है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है? 4 ऑक्साइड। तो इसमें PbNO3 लीड नाइट्रेट के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तब अपने को क्या मिलता है? NO2 जो है वो अपने को मिलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे? तो हाँ, उसके बाद ये क्या है, कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? तो ये N, ठीक है, ये कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। ये N, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, NO2 और NO2, और दोनों मिलकर के क्या बना देगा? N2O4। समझ में आया? ये NO2 जो 2NO2 लिखे थे ना, वो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन था, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन था, और दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना दिया? N2O4 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कैसे बनेगा? तो वो देखोगे तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन P4O10 के साथ, इसके साथ P4O10 के साथ क्या बनता है? N2O5 बनता है। तो ये रिएक्शन याद रखना पड़ता है आपको। ठीक है, और P4O10 कैसे एक्ट करता है? तो P4O10 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़े। और N2O5 की बात करें तो ये क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, और कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स वाला हम लोग देख रहे थे ना, तो उसका स्ट्रक्चर देखे थे, इन सब का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। N2O का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में N2O का स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फटाफट ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, NO का ये स्ट्रक्चर रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, और ये 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 होता है। ठीक, इस तरीके से, और NO जो है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है NO प्लस, ये भी देखना है। स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी जो होगी स्टेबिलिटी जो होगा वो NO प्लस का ज़्यादा होगा, किससे? NO से। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये रिमूव हो रहा है। बात समझ में आया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। अब यदि हम ये बात करें फोर्थ नंबर N2O3, ठीक है, N2O3 में आपको क्या हो रहा है? N, ठीक है, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से बन रहा है स्ट्रक्चर। N2O5 में ये ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, बीच में एन
एन बॉन्ड है, तो ये भी पूछ देता है एन ओ एन बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन कुछ इसके। अब जैसे कि एन टू ओ, ये न्यूट्रल होता है, ठीक, इसका किसके साथ रिएक्शन, बेस के, कोई रिएक्शन, एन ओ बेस के साथ कोई रिएक्शन, ठीक है, लेकिन एन टू ओ थ्री एसिडिक है, अब इसका बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो करेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा एन ए एन ओ टू और प्लस वाटर, ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, खास बात क्या है कि ये जितना इसका था कितना था, तीन गुना छः, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री वाला शो कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ भी ये क्या शो करेगा, प्लस थ्री वाला ही शो करता हुआ आपको नजर आएगा। ये कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है, ये प्लस फाइव वाला यहाँ शो कर रहा है, ये भी प्लस फाइव वाला ही यहाँ पे शो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और ये क्या था, बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ठीक। और यदि हम बात करें, ठीक है, ठीक, ए, ठीक, अब ये क्या है, N2O4, N2O3 का कर लिया, N2O5, N2O4 की बात करें, N2O4 का क्या होता है, NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट शो करता है, क्योंकि प्लस थ्री वाले का तो ये सॉल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लस फाइव वाला नजर आ रहा है, लेकिन प्लस फोर वाला सॉल्ट बनता नहीं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसका एवरेज निकलता है डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है, यानी कि एक लिखेंगे ये वाला, ये कितना हो गया, प्लस फोर वाला है, तो प्लस फोर का बेसिकली क्या निकाल दिया है, एवरेज, एवरेज किसका, ये पांच और प्लस तीन कितना हो गया, आठ, आठ का क्या हो जाएगा, चार, ठीक है, पांच प्लस तीन बाय डिवाइडेड बाय दो, तो ये हो जाएगा आठ, ठीक, सॉरी चार, तो चार, तो प्लस फोर ये शो कर रहा है, यानी कि आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में प्लस फाइव वाला लेंगे और प्लस थ्री वाला, तो ये है प्लस थ्री वाला और ये है प्लस फाइव वाला, तो यहाँ पे दोनों को नजर आ रहा था, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्सी एसिड्स का नाइट्रोजन का हम आपको लिंक तुरंत अभी भेजते हैं, ठीक है, तुरंत ज्वाइन होना है, ठीक है।